ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर दे कि अमरीकी CIA के पाकिस्तान में सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ड्रोन हमलों के खिलाफ अमरीकी CIA के कंट्री डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस खबर से मुतालिक मजीद अपडेट्स लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर असलम से। जी जहांगीर। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ड्रोन हमलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार मोहम्मद करीम ने अदालत में मौकफ इख्तियार किया था कि मीरान शाह के इलाके में ड्रोन हमलों के नतीजे में मेरा भाई और बेटा जानबाग को हुए थे, और अदालत ने जो है IG पुलिस ताहिर खान को भी तलब किया था। तो ताहिर खान से इस्तफसार किया कि इससे कबल भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किए थे FIR दर्ज करने के हवाले से, तो अब तक दर्ज क्यों नहीं किया गया। जिस पर IG पुलिस का कहना था कि वो सिफारती ताल्लुक खराब हो सकते हैं, FIR दर्ज नहीं कर सकते। अदालत ने एक दफा फिर जो है FIR दर्ज करने का हुक्म दिया कि CIA के चीफ और लीगल एडवाइजर के खिलाफ FIR फौरी तौर पर दर्ज करके 24 घंटों में FIR। जहांगीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक दफा फिर ये खबर बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि अमरीकी CIA के पाकिस्तान में सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ड्रोन हमलों के खिलाफ अमरीकी CIA के कंट्री डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। CIA के पाकिस्तान में सरबराह के खिलाफ 24 घंटों में FIR दर्ज की जाए। इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने पुलिस के सरबराह को हुक्म दिया है कि अमरीकी खुफिया इदारे CIA के पाकिस्तान में सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, 24 घंटे के अंदर अंदर ये FIR दर्ज की जाए। जहांगीर, हमें बताइएगा एक बार फिर पुलिस चीफ का क्या रद्द अमल था इस पर। जी, इस पर IG पुलिस ताहिर आलम अदालत में पेश हुए थे। उनका कहना था कि अगर FIR दर्ज कर दूं तो सिफारती ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, और वजारत दाखिला हुकूमत की जानिब से जो है प्रेशर है कि FIR दर्ज ना करूं। तो जिस पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक दफा फिर जो है CIA के कंट्री डायरेक्टर और लीगल एडवाइजर को ड्रोन हमलों का जिम्मेदार करार देते हुए जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना था कि ये एक ऐसा जुर्म है कि पाकिस्तान के किसी भी थाने में FIR दर्ज हो सकती है, तो आप इसके क्यों रहे और आपके थाने पर कहीं पर हमला नहीं हो सकता, और आप जो है FIR फौरी तौर पर दर्ज कर दें। तो जहांगीर, अब इस केस की मजीद समाअत कब होगी? जी, केस की समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, और अभी वजारत दाखिला की जानिब से यह इंफॉर्मेशन है कि वजारत दाखिला और पुलिस ने एक मीटिंग भी तलब की है कि आज रात तक समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जहांगीर, अपडेट्स के लिए शुक्रिया।